टोरेंट पावर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए सुमित, कौन सा लेवल निकलता है तो फिर कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए टोरेंट पावर के अंदर 293 का भी भाव चल रहा है। टोरेंट पावर के अंदर यहाँ से इमीडिएटली जो ऊपर में रेजिस्टेंस है वो है 298 और 300 का। 298-300 के लेवल टूटने पे स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलेगी और फिर ऊपर में 310-315 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक यहाँ से पुल बैक और बाउंस बैक तो जरूर देखने को मिलना चाहिए। 285 के स्टॉप लॉस से सीएमपी पे बाय करें, 298-300 का इमीडिएट इंट्राडे का टारगेट हो सकता है और एक बार 300 का लेवल टूटने पे स्टॉक में रैली बढ़ेगी और फिर और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे इंडसइंड बैंक थोड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडसइंड बैंक के अंदर यहाँ से एक अपमूव देखने को मिल सकता है, तो इंडसइंड बैंक में सीएमपी पे बाय कर लेना चाहिए। 1406-1407 के आसपास का अभी भाव चल रहा है, स्टॉक के अंदर यहाँ से मोमेंटम बढ़ेगा और हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली 1425-1430 ये इंट्राडे के टारगेट होंगे। 1425-1430 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में और तेजी बढ़ेगी और फिर आने वाले दिनों में हमें 1500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो इंडसइंड बैंक में 1380 के स्टॉप लॉस से बाय करें।